सरकारी स्कूलों में बच्चों की तुलना में शिक्षकों की पोस्टिंग करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसका उद्देश्य 60 बच्चों पर 2 शिक्षक और उससे ज्यादा बच्चों पर 3 शिक्षक के आधार पर काउंसलिंग करने का था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जहाँ शिक्षक कम थे वहाँ और भी कम हो गए और जहाँ ज्यादा शिक्षक थे वहाँ और ज्यादा हो गए। यूं तो ये काउंसलिंग अतिशेष शिक्षकों के लिए थी, लेकिन ये नेता और अफसरों के अति विशेष शिक्षकों के लिए बनकर रह गई है। अपनों पर मेहरबानी के लिए अफसरों ने एक नया रास्ता निकाला है कि उन्हें काउंसलिंग से ही गैर हाजिर करवा दिया। गुना में 8, राजगढ़ में 26, सीहोर में 7, रायसेन में 12 और नर्मदापुरम में 1 शिक्षक ने काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। रायसेन के पटेल नगर प्राथमिक शाला में 92 स्टूडेंट थे। यहाँ 3 शिक्षक होने चाहिए लेकिन 5 है। यहाँ से किसी भी शिक्षक को अतिशेष नहीं माना। यहाँ पर रानी सक्सेना, रक्षांदा खान, उर्मिला कुशवाहा, रानी पांडे और उषा ठाकुर की 2016 में पोस्टिंग हुई और रानी सक्सेना की 2011 में। सीनियर होने के नाते रानी सक्सेना का नाम अतिशेष में आएगा। इसके अलावा उषा की मूल पद स्थापना खरगावली में है, लेकिन उन्हें पटेल नगर के स्कूल में अटैच किया गया है, इसलिए वह भी अतिशेष में आएंगी। चूंकि उषा के पति उमेश सिंह मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस वजह से अतिशेष होने के बाद भी उषा को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया गया। रायसेन थानापुर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक जिज्ञासा भार्गव का अटैचमेंट है। इनकी ओरिजिनल पोस्टिंग जरुआ प्राइमरी स्कूल में है। यहाँ अब एक भी शिक्षक नहीं है। जिज्ञासा की मां सविता भार्गव भाजपा नेता है, इसलिए सिंगरौली से ट्रांसफर होने के बाद से जिज्ञासा कभी भी मूल शाला में आई ही नहीं। शिक्षक जिज्ञासा ने जरुआ के बजाय थानापुर स्कूल में अटैचमेंट इसलिए कराया क्योंकि इनके पति अनिल कौशिक का मिडिल स्कूल करोली इनके रास्ते में ही पड़ता है। इस तरह से अटैचमेंट से अतिशेष शिक्षकों को 2 स्कूलों में काउंसलिंग के ऑप्शन ही नहीं मिले। तो वहीं लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर का कहना है कि लोग प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि कहीं गड़बड़ी है तो बताएं, वहां सुधार कराएंगे। जो भी शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहे हैं उनको लेकर शासन से किसी तरह की गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।